ইজান ধরে বসে আছে, ইজানের মুখের মধ্যে আছে, মুখের মধ্যে নিয়ে আছে, মুখে কেন নিয়েছো? কামবে কামবে খা। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए अभी टाइम हो रहा है 12:30 और बच्चे सोने के लिए ऊपर चले गए, और थर्सडे नाइट ट्राई करते हैं कि रात में ही घर का, नीचे वाले घर का सारा काम कंप्लीट कर ले। देखिए जैसे बेडशीट चेंज करना, तो बेडशीट चेंज कर दिए, अब वो वाला प्लेस को अरेंज करना है। तो इससे क्या होता है, जिधर मॉर्निंग में सीधा उठने के बाद नीचे रूम में आ जाता है, के बाद वो रेडी होकर यहाँ से स्कूल चला जाता है, और इजान ऊपर सोया हुआ रहता है, इसीलिए ऊपर कुछ कोई काम नहीं करते, सारा काम नीचे वाले रूम में ही करते हैं। क्या होता है ना, जिदान मॉर्निंग में इसी रूम में आके रेडी होता है, और सारा उसका जो बुक्स है, देखिए इस तरफ है, तो बुक्स अरेंज करना, बुक्स लेना, हर एक चीज़ यहाँ से इस रूम से करना पड़ता है। तो ये रूम, अगर बेड एक्चुअली अगर फ्रेश रहा, मतलब ठीक ठाक रहा, तो अच्छा भी लगता है, नहीं तो पूरा गंदा लगता है सब कुछ। बच्चे क्या है ना, सॉफ्ट टॉयज के साथ इतना अच्छे से खेलते भी नहीं है, ऐसे ही फेंक फाक के रख देता है, तो इसको अरेंज करके रखने की कोशिश करते हैं, बट इजान इसको ठीक कभी रहने नहीं देगा, बिकॉज इजान कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से अरेंज करके रखे, बच्चों का जो आदत है वो बिल्कुल भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों का ज़्यादातर ये आदत होता है पानी गिराते हैं, उन लोग ऑल टाइम पानी गिराता रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है ये इरेक्शन रहने से। देखिए कुछ इस तरह अरेंज हो गया तो अच्छा। और मेरी नंद आई थी आज, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी, एक दो घंटे के लिए आई थी, तो बच्चों के लिए देखिए टी शर्ट्स लेके आई थी, तो एक जिदान के लिए और एक इजान के लिए, और एक ट्राउज़र है, और ये विंटर के लिए, ये बहुत अच्छा है विंटर में पहनने के लिए, और ये देखिए ये कुर्ती जो लाई ये मेरे लिए, चलिए आपको दिखाते हैं खोल करके, ये रहा कुर्ती, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है और अच्छा लगता है, और लुक वाइज बहुत अच्छा है, सिंपल एंड सोवर। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा ये ड्रेस। देखिए आज क्या मूड आया, दोनों भाई बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, फाइटिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उन लोग बहुत फाइटिंग करता है, और जो भी चीज़ का डिमांड होता है दोनों को एट अ टाइम होता है डिमांड। गुड इवनिंग, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे कुछ खास शूट नहीं कर पाए थे, पूरा दिन बिजी थे, काम का प्रेशर था इसीलिए। और देखिए जिदान और इजान अभी दोनों भाई खेल रहे हैं, इजान अभी बिल्कुल भी खेलने के मूड में है अपने भाई के साथ, और जिदान को अभी पढ़ने के लिए बिठाना है, बट इजान चाहता है कि अभी उसके भाई उसके साथ खेले, तो इसीलिए जिदान को बोला अभी खेल लो थोड़ा देर, उसके बाद ही पढ़ाएंगे। तो डिनर करने के बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे तो क्या होता है ना, एक दो जो घर का एक्स्ट्रा काम रहता है तो उसको कर लेते हैं, तो क्या होता है इससे काम इजी हो जाता है, और नेक्स्ट डे के लिए काम पर हुआ नहीं रहता है। तो देखिए डिनर हो गया, डिनर करने के बाद सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो ये काम बचा हुआ था, ये सॉस कल आया, ये सॉस बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, तीखा है, और नॉर्मली बाहर से जो सॉस मिलता है वो थोड़ा सा मीठा टेस्ट रहता है, जो मेरे घर में किसी को पसंद नहीं होता है, तो ये सॉस हम लोग मंगवाते हैं भाई से, इसका थिकनेस देखिए बहुत अच्छा है, और देखिए ये नॉर्मली बाहर से जो सॉस मिलता है वो सॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये सॉस का एक खासियत है, हम लोग पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस अलग से ख़रीद के ले करके आते हैं, बट ये सॉस रहने से ज़रूरत ही नहीं पड़ता है बाहर से कुछ एक्स्ट्रा सॉस परचेज़ करने की, ये सॉस हर एक काम में यूज़ हो जाता है, पिज़्ज़ा जैसे पिज़्ज़ा सैंडविच बर्गर हर एक चीज़ में ये यूज़ होता है सॉस। तो और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ सॉस निकाल के रख देंगे, और ये रेगुलर यूज़ के लिए है, हो गया। अब ये वाला सॉस का जो जार है ये नीचे फ्रिज में स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ के लिए ये वाला जार यूज़ होगा अभी।
और ये जो जार बचा हुआ है इसको ऊपर वाले दूसरे फ्रिज में इसको स्टोर करके रख देंगे लॉन्ग टाइम। और इस फ्रिज में जो एक्स्ट्रा सामान है जो स्टोर, और एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, ये वाला देखिए स्पून स्टैंड लिए, ये वाला स्टैंड बहुत काम का चीज़ होगा क्योंकि नॉर्मली छोटा छोटा स्टैंड जब रहता है तो बड़ा बड़ा जो चम्मच है वो क्या होता है ना गिर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रखने में, तो इसीलिए ये वाला स्टैंड परचेज किए। तो ये स्टैंड आई थिंक बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और मेरे पास जो है वो इतना हाइट का है तो क्या होता है ना डिसबैलेंस होने से वो गिर जाता है, तो इसी के बारे में ध्यान रखते हुए ये स्टैंड लिए। तो वैसे तो मेरा किचन बहुत ज़्यादा पुराना है इसीलिए क्या होता है ना थोड़ा सा चीज़ अगर ऑर्गेनाइज करके रख पाए तो वही अच्छा लगता है देखने में, मतलब ये पुराना किचन हो बट अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज करके कोई भी चीज़ रखने से। और ये वाला देखिए ये सिपर था, इसको यूज़ करते थे, एक्चुअली ज़्यादा यूज़ नहीं किए, चार पांच बार ही यूज़ किए बाबू को दूध पिलाने के टाइम, तो मेरी नीज़ कतर से लेकर के आई थी ये, इसीलिए इसको अभी इस काम में यूज़ करते हैं। मेरा जो केक का सामान है जैसे देखिए स्पैचुला हो गया, पैलेट नाइफ, ये सब रखने के काम में अभी यूज़ होता है। ब्रश देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो इसको भी यहाँ सेट कर देंगे, अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर और एक स्टैंड है तो इसको मिडल में रख देंगे, और ये सब रेगुलर यूज में होता है तो ये सब इसीलिए सामने रख रहे हैं। सब छोटा छोटा चीज़ ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, बच्चों के लिए और मेरा ये नीचे वाला फ्लोर के लिए देखिए ये वाला मैट लिए। जिदान देखिए मेरा बेटा, उसको कोशिश कर रहा अरेंज करने का बट होगा तो नहीं उससे, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा है। रुको रुको अर्श, हम कर दे रहे ईजान। तो ये काफ़ी अच्छा है और वॉशेबल है, मतलब उतना मोटा भी नहीं है, देखिए ये उतना मोटा भी नहीं है, इजीली वॉश हो जाएगा और उतना पतला भी नहीं है, तो ठंडा के लिए ये बेस्ट है। और उसके बाद ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले खिचड़ी चढ़ा देंगे, और खिचड़ी जब तक होता रहेगा तब तक मेरा पढ़ाई भी कम्प्लीट हो जाएगा पढ़ाना। और इसमें जो मसाला जैसे डाले नॉर्मली अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा एकदम रेड चिली पाउडर डाले, उसके बाद हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और उसके बाद आपका धनिया पाउडर, ये सब अच्छी तरीके से भून लिए। देखिए ये मेरा भुना गया, और यहाँ पर देखिए ये मेरा ये दाल और राइस है, ये धो कर रखे हुए है, अब इसको डाल देंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए और मिक्स हो गया, और अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग पानी ऐड करेंगे क्योंकि, तो ये हो गया। और हस्बैंड का डिमांड है आज, हस्बैंड आलू फ्राई करने बोले तो आलू फ्राई रहेगा, और सोच रहे बैंगन फ्राई भी कर लेंगे तो, और पापड़ रहेगा, तो इस तरीके से हम लोग लंच रेडी कर लेंगे। और रात में सोच रहे कि आलू दम बना लेंगे, देखते हैं क्या होता है रात का। देखिए कुकर का लीड बंद कर दिए, अब ये जब तक होता रहेगा तब तक मेरा काम भी कंप्लीट होता रहेगा। और ये देखिए बच्चे का मंडे से एग्जाम स्टार्ट होगा, उन्हीं लोग का भी आज पढ़ा रहे, तो इन लोग अभी टेस्ट दे रहे वन बाय वन। और सब कोथाय गेछे कारखानार मध्ये ढुकछे, कारखाना ढुकछे, আমার ওই আলিটার ভয় লাগতো আমার ছেলেকে না अब यहाँ पर देखिए ये ओवन है, ओवन के ऊपर वाला पोर्शन खाली करना था, अरेंज करना था अच्छी तरीके से, और ये वाला जो नीचे वाला प्लास्टिक एकदम बिल्कुल गंदा हो गया, तो सोच रहे इसको चेंज कर देंगे, और इसको चेंज करने के बाद दूसरा कुछ लगा देंगे,
तो ये बाद में करेंगे जब हस्बैंड आएंगे, क्योंकि भारी है तो भारी अकेले कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ओवन को पहले खाली कर दिए और इसमें जो रेगुलर जो यूजेबल जो चीज़ है इसको ऊपर यहाँ पर रख देंगे। जैसे इस बार बास्केट में जो एग्स है, एग्स रहता है, उसे ओवन के ऊपर उतना ज़्यादा चीज़ रखना नहीं चाहिए, लेकिन एक दो चीज़ रख सकते हैं, क्योंकि ओवन रेगुलर ज़्यादातर मेरा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर मेरा इंडक्शन यूज़ होता है। तो ओवन जब यूज़ करते, जब गर्म करने होता है कोई चीज़, इसीलिए तब ओवन यूज़ होता है, अदरवाइज़ मेरा ज़्यादातर इंडक्शन यूज़ होता है, और केक बनाने के लिए मेरा ओटीजी यूज़ होता है, तो इसीलिए ओवन थोड़ा रेयर यूज़ होता है, उतना ज़्यादा नहीं, बस गर्म करने के पर्पज़ में यूज़ होता है। और ये क्यूट सा हॉटपॉट देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा चपाती बच जाता है तो इसमें फोल्ड करके इतना छोटा सा इसमें हॉटपॉट में रख देते तो लुक वाइज अच्छा भी लगता है और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। और अब आलू फ्राई करना है। देखिए आलू मेरा कटा हुआ है और हस्बैंड बोले आलू उनको फ्राई चाहिए, इतना पतला पतला करके काट के। तो अभी कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे आलू फ्राई करने के लिए। देखिए ऑयल गरम हो गया है, अब एक एक करके आलू डाल देंगे। और ये रहा आज का लंच, एकदम सिंपल सा लंच है। ये देखिए ये बैंगन फ्राई है, ये खिचड़ी, यहाँ पर भी खिचड़ी रखा हुआ है, और यहाँ पर हस्बैंड का फेवरेट आलू फ्राई, हस्बैंड ऐसे ही बनाने बोले। और ये बच्चों के लिए प्लेन पोटैटो फ्राई है, और ये और एक है पोटैटो का ही आइटम है। बस आज ये सिंपल लंच करने वाले हम लोग, और साथ ही साथ पापड़ है, अभी बच्चों को लंच करवाने वाले हैं। यहाँ देखिए लंच करने के बाद हम लोग सब बैठे क्राफ्ट बनाने। जिदान के स्कूल में जिस दिन क्राफ्ट एग्ज़ाम होगा, मतलब 1 दिसंबर में होगा, तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए जिदान के स्कूल में क्राफ्ट दिए बनाने के लिए, और बोला गया बच्चों को करना पड़ेगा साथ में, पेरेंट्स हेल्प करेंगे बच्चों के साथ। तो ये सब इंस्ट्रक्शन जिदान के पापा ही देते हैं। देखिए अपना क्राफ्ट खुद बना रहा है। देखिए जिदान सर्कल बनाया और जिदान के पापा कट कर रहे, बिकॉज सीजर तो वो पकड़ नहीं पाएगा इसीलिए। और टीचर्स ऐसे इंस्ट्रक्शंस किए कि गार्जियन आप हेल्प कीजिए, और जिदान मतलब बच्चे जो है छोटा छोटा काम करेंगे, तो इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहा तो बच्चे हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करेगा, बच्चों को भी फील होगा हाँ हम बनाए हैं, और इससे अच्छा इम्प्रेशन भी होगा। জিদানের স্টাইল দেখেছো, ঘুরে ঘুরে ও নিজেই ঘুরে যাচ্ছে, ও হাত ঘুরাচ্ছে না, একটা মিস্টেকের জন্য কি হলো বলো, সাইজটা দেখো নি বলে। আর ভালোই গেল, 1 ফিটেরটা 1/2 ফিট বানিয়ে দিয়েছে। আমি ঘুরলাম গোল গোল, ভালো হলো, এই যে ওদের খেলার জিনিস হয়ে গেল, এটা দিয়ে খেলবে ওরা। দেখিয়ে ঘর কা হালত, और 4 बजे से जिदान के पापा बैठे हुए थे क्राफ्ट बनाने, और अभी टाइम हो रहा है 8:40, अभी तक बनाए जा रहे, और बीच में ब्रेक लिए थे क्योंकि कुछ सामान अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से मतलब शॉप में जाके परचेस करना पड़ रहा था। तो देखिए ये सब, बस इतना सा आइटम्स के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। देखिए अभी भी घर का हालत बहुत ज़्यादा बुरा हालत है घर का,
तो ये क्राफ्ट का लास्ट फिनिशिंग है, ये काम कंप्लीट होते ही उसके बाद घर साफ कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग में आप लोग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।